कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था। देख रहे हैं आप लोग कितना तेल छोपी हूँ, देखिए आप लोग कितना ज़्यादा तेल लगाई हूँ, सामने हूँ। बहुत ज़्यादा तेल लगाई थी, मतलब बहुत दिन का वीडियो था, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आधा आधा पार्ट था दो तीन दिन का, तो उसी को जोड़ के मैं वीडियो डाली हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई थी, टेंशन इस चीज़ की हो गई, तो मैं गई थी सर्विस सेंटर, वहाँ अपना वो करवाई थी, अपडेट करवाई थी सिम। तो आज हो गया एक हफ्ता, हो गया एक हफ्ता, हाँ एक हफ्ता हो गया। तो पता नहीं, उनको तो मेरा आईडी पता है, मैं उतना मेरे को नहीं पता है, मालूम है यूट्यूब का बारे में। मैं सोची कि मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, तो मैं सारा अपना वो बता दी थी, क्या बोलते हैं, जीमेल आईडी, पासपोर्ट वासपोर्ट सब बता दी थी। अब देखिए मेरे पास तीन चार दिन से फ़ोन आ रहा था, तो मैं रिसीव नहीं करती थी, पता ना, मैं सोची किसका फ़ोन है। फिर कल मैं रिसीव करी, सुबह सुबह, संडे दिन था, रिसीव कर ली। उसके बाद मेरे को इतना टेंशन, इतना टेंशन कि मत पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टेंशन, और ऊपर से तबीयत भी ख़राब मेरा। फिर देखिए क्या हुआ, बोल रहे हैं कि मेरा और ब्लॉक है चंदा फैमिली नाम से, आप लोग जानते हैं मेरा चैनल चंदा फैमिली नाम से है। तो यही बात है दोस्तों, पूछने लगे सारा डिटेल, तो मैं तो घबरा गई। ऐसे तो कभी क्या बोलते हैं कंपनी, क्या बोलते हैं यूट्यूब पर, इससे मतलब यूट्यूब के तरफ से ऐसे तो नहीं आता है, मैसेज आता है उनके तरफ से, फ़ोन उन तो नहीं आता है। मेरे को थोड़ा सा मतलब वो लगा, तो मैं नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। फिर मैं डर गई अंदर कि ये कैसे है भाई, इसे तो फ़ोन कभी नहीं आता है, किसी के पास नहीं आता है, मेरे को पता है। तो मेरे वो आकाश के पापा बाथरूम में थे, तो मैं बोली कि आकाश बुलाओ पापा के, तभी तो मैं वो लोग लाइन ही पे थे, मतलब फ़ोन कट नहीं किए थे, लाइन पे थे, तो निकले बाहर, तो फ़ोन दे दिया आकाश। फिर उस आकाश फ़ोन दे दिए, तो बोले कि क्या बोल, वो तो बताने वाले थे, उनसे पूछने लगे, वो सब तो बताने वाले थे। फिर मैं बोली उनको थोड़ा सा, मतलब कुछ बोली तो चुपचाप हो गए, नहीं बताए, बोले कि थोड़ी देर में फ़ोन कर रहा, थोड़ी देर में फ़ोन कीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है, पहले बात कर लीजिए। तो फिर मैं उनको बोली कि नहीं बताना चाहिए, ये बार बार फ़ोन करने लगे कि अपना क्या चैनल, मतलब पूरा पूछने लगे, उनको जानकारी है। मैं फिर फ़ोन करी उनके पास, जिन सर्विस सेंटर में वो करवाई थी, मैं अपना सिम अपडेट करवाई थी, उनसे पूछी मैं कि आपको तो पता है और किसी को नहीं पता है कि वैसे हो रहा है मेरे साथ। तो बोल रहे हैं हमारे तरफ से कोई कंपनी से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। तो मैं जान गई, मतलब कि इन्हीं को पता है मेरा सब आईडी वाईडी, ये दूसरे से फ़ोन करा रहे हैं, ये सब बातें हैं। कल पूरा दिन मैं टेंशन में थी, अभी भी टेंशन में हूँ, देखिए कैसे सही हो रहा है। कोई सलूशन हो, कोई आइडिया हो तो आप लोग बताइएगा प्लीज़, जो भी भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं, बताइएगा आप लोग, कोई सा आइडिया हो, कोई सलूशन लिख ले तो आप लोग बताइएगा। मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ, बहुत मेहनत करी हूँ, शुरू शुरू में मैं बहुत मेहनत करी हूँ, अभी भी कर रही हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, उसी से मेरा जो मिलना होता है सब्सक्राइबर, वही मिलती हूँ, जो मिलना होता है उन्हीं से, शॉर्ट वीडियो से मेरा सब्सक्राइबर पूरा होते हैं। देखिए आगे क्या होते हैं, आगे क्या होता है, भगवान है मेरे साथ, तो आप लोग मेरे साथ दीजिए, जो भी हो आप मुझे बताइए, कुछ जो भी आइडिया मिले। बहुत ज़्यादा ठंड है इधर, मैं ठंड से बहुत परेशान हूँ, कपड़ा जल्दी सूख नहीं रहा है, चार पाँच दिन कपड़ा, मतलब चार पाँच दिन से मैं कपड़ा धोई हूँ, फिर देखिए आज धो के रखी हूँ, पहले वाला कपड़ा सूखा भी नहीं है, तो फिर आज मैं धो ली हूँ, देखिए कब तक सूखता है। तो आप लोग प्लीज़, मेरी भाई बहन, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए,
मुझे आगे बढ़ाइए, कोई सलूशन हो तो बताइए। तब तक तो मैं जो हो पा रहा है मेरे से मैं कर रही हूँ। देखिए भगवान की कृपा से, आप लोगों की कृपा से मेरे चैनल कोई ना हैंग करे, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक ले हो वहाँ तक ले आप सपोर्ट कीजिए। आप लोग की मेरा आप लोग का वीडियो में पूरा फुल वॉच देखती हूँ, कोई भी हो, सिस्टर हो या भाई हो, फुल वॉच वीडियो उनका करके मैं कमेंट करती हूँ। लेकिन पता ना मेरे पास क्या करते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ जो जैसा करेगा वैसे मिलेगा उनको, कोई बात नहीं। ये तो कहावत है लेकिन सच में होता है। मैं इसे नहीं करती हूँ, मैं इसे कमेंट नहीं कर दूँगी थोड़ा सा देख के, लेकिन आजकल से मैं बहुत दुखी हूँ। तो मेरा दोस्तों, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।